दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक का अगर आप अकाउंट ओपन किए हैं तो उसका डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, इस वीडियो में आप देखेंगे, ताकि आप मैन्युअली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एटीएम से। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपको लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं। और पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे पेटीएम बैंक पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पासकोड देंगे, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट देंगे। तो जब यहाँ पे देखिए एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखेगा पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड पे आपको क्लिक करना है, तब आप डेबिट कार्ड मंगा सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 250 रुपया चार्ज लगेंगे, और इसी एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो एड मनी पे क्लिक करेंगे। अगर दूसरा एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो एड न्यू पे क्लिक करके आप एड्रेस ऐड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एड मनी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके खाते में 250 रुपये से कम है तब आपको एड मनी का ऑप्शन आएगा, उसके बाद नहीं तो पे का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम जितने भी रुपया कम है तो यहाँ पे हम ऐड मनी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड मनी चलिए 107 रुपया कर लेते हैं, और भी मेरे अकाउंट में पहले से बैलेंस थे। तो जैसे ही हम 107 रुपया यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से ऐड मनी करेंगे, टोटल मेरा पेमेंट हो जाएगा 250 रुपया। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट देंगे, तो जैसे ही फिंगरप्रिंट हम देंगे, देने के बाद ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे 250 रुपया आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे ये जो है 250 रुपया सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुल होने के बाद इस पेज को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेबिट कार्ड जो है डिलीवरी स्टेटस, यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है न्यू डेबिट कार्ड जब आएगा 2 दिसंबर को आएगा, तो यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है और ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे यह भी बता दिया जाता है कि कब आपका डेबिट कार्ड आएगा। तो इस तरह से आप जो है अपना डेबिट कार्ड पेटीएम पेमेंट बैंक का अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बाय पोस्ट के द्वारा आपको घर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है लिमिट मिलता है 1 लाख का। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 250 रुपया दिखा रहा है, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस तो कट चुका है लेकिन तब पर भी दिखा रहा है। तो इस अकाउंट को सबसे पहले लॉग आउट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिखेगा 0 बैलेंस दिखेगा। तो चलिए हम लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद फिर से पेटीएम पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिंगर से लॉगिन कर सकते हैं या नहीं तो पासकोड से। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा अकाउंट बैलेंस जो है अब 0 दिखा रहा है। तो आप इसी तरीके से जो है अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप पेटीएम पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये बाय पोस्ट के द्वारा मिल जाएगा, जो भी आपको डेट बताया जा रहा है उस डेट में आपको मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।